बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हाथ की बनी हुई सेवइयाँ। तो इसके लिए मैंने 2 कप सेवइयाँ ली हैं, 1 कप चीनी, 2 छोटी इलायची और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अब इसमें इलायची ऐड कर दें और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें सेवइयाँ भी ऐड कर दें। सेवइयाँ ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लें, क्योंकि ये मैदे की बनी हुई सेवइयाँ होती हैं और कच्ची होती हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है। तो इनका कलर चेंज होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करते रहें। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब इसमें 3 कप मैं पानी के ऐड करूंगी, क्योंकि 2 कप मैंने सेवइयाँ ली थी, तो इसमें 3 कप पानी के जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद अब इसमें मैं चीनी शामिल करूंगी। चीनी जो है वो इसमें 1 कप जाएगी। चीनी शामिल कर लेने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पानी खुश्क होने तक पका लें। फ्लेम को हम तकरीबन मीडियम पे रखेंगे। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो एक दफ़ा ढक्कन उठाकर इसे अच्छी तरह से जो पानी थोड़ा बहुत हो वो भी खुश्क कर लें। ये खाने में जितनी मज़ेदार हैं बनाने में उतनी ही आसान है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगी। अब इन्हें 2-3 मिनट अच्छे से हिला कर पानी खुश्क कर लें और अब इसे दम पर रख दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे दम पर ज़रूर रखें। 4 से 5 मिनट में ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार हाथ की बनी हुई सेवइयाँ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।